प्लस करें, एट द रेट 10 प्लस 2 कितना आ रहा है 3, 3 प्लस 2 2 और 2। एक बंदा था विजय, जो 500 शेयर्स उसे वो थे, डन। केस वन, खुशी, केस वन में कहाँ फोरफीट कर रहा है, यहाँ। तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एसपीआर डेबिट टू शेयर फोरफीटेड टू शेयर अलॉटमेंट, राइट। तो केस वन में क्या करेंगे, 500 शेयर्स पे मैंने कॉल कितना करा, 6 रुपए, और 500 पे 2 एसपीआर कॉल करा, आया कितना, सिर्फ 3 रुपए। 500 पे 3 रुपए आए और 500 पे 5 रुपए नहीं आए, सॉर्टेड केस वन। केस टू क्या है, पूरा पढ़ना। केस टू, विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल इन शेयर वर फॉरफीटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। अच्छा, उसने यहां फॉरफीट नहीं करा, ये पे और ये नहीं पे करा, और यहां फॉरफीट करा, राइट। एंट्री यही रहेगी, मैंने 500 शेयर्स पे कितना मंगवाया, 3 और 3 6 और 2 8, 8 रुपए मंगवाया, 2 रुपए यहाँ, उसने 3 रुपए पे करा, 5 रुपए यहाँ नहीं करा, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 500 × 2, कोई दिक्कत, पक्का। केस 3 बोलो, विजय फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफीटेड इमीडिएटली। अब देखो, उसने ये पे किया है, उसने ये पे नहीं करा और यहाँ करा। अब जो ये एसपीआर है, कॉल करा, यस, रिसीव कर लिया, यस, ये यहाँ से उड़ जाएगा। वो कहेगा मैंने 3 और 3 6 और 2 8 रुपए मंगवाए, फोरफीट करा 6 रुपए, कितने, ये 2 रुपए ना हमने यहाँ कंसिडर करे और यहाँ ना, यहाँ, डन। और टू फर्स्ट कॉल 2 रुपए, डन। नेक्स्ट एंट्री, विजय फेल टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर फॉरफीटेड, यहाँ फॉरफीट करे, तो यानी शेयर कैपिटल कितने रुपए मंगवाए हमने, 10 रुपए, उसने पे कितने करे, 6 रुपए, 2 फर्स्ट कॉल 2 रुपए और 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपए, डन। कॉल्ड अप, पेड अप, नॉट पेड, डन। नाउ वी आर गोइंग टू डू बैक एक्सरसाइज 50, हम कौन कौन सा कर चुके, 52 और 53 कर चुके, 54, स्टार्ट डूइंग 54 बैक एक्सरसाइज, 54 क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वानी लिमिटेड ने ना एप्लीकेशन निकाली 1000 इक्विटी शेयर्स की, वानी ने एप्लीकेशन निकाली 1,00,000 इक्विटी शेयर की एट द रेट 10 प्लस 1, 3 प्लस 1, 4 और 3, ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोथ है। एप्लीकेशन पे पैसा आया 1.5 लाख शेयर्स का और पूरा ही हमने प्रोराटा कर दिया, 3:2 की हमने क्या निकाल ली, को एप्लीकेशन फॉर 1.5 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन कॉल्स। वो कह रहे ये वाला पैसा ना तुम यहाँ एडजस्ट कर लो, फिर भी बच जाए तो यहाँ भी एडजस्ट करो, कॉल्स लिखा है, कॉल्स मतलब फर्स्ट कॉल भी सेकंड कॉल भी, डन। हिज पार्ट, एक शेयर होल्डर था जिसने अप्लाई करा था 600 के लिए, अप्लाई कितना करा था 600 के लिए, एक्स 3:2 3x 1200 अपॉन में 3, एक्स कितना आ गया, अप्लाई कितना करा था 600, अलॉट कितना हुआ 400, सॉर्टेड। नेक्स्ट, डिड नॉट पे, क्या हुआ, इसने ना फर्स्ट कॉल नहीं करी और उसका फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद हमने फोरफीट कर लिया, द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, अभी
सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल यहाँ से क्वेश्चन छोड़ दो, जो यहाँ तक है शेयर्स वर फॉरफिटेड, सिर्फ इतना करो, रीइश्यू छोड़ दो, करा के जाएंगे बट यहीं तक करो फास्ट। अब पहली एंट्री क्या करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने आए 1.5 लाख इंटू 4, 6 लाख, 6 लाख डन। दूसरी एंट्री क्या करी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, फर्स्ट कॉल में ही जाएगा सारा पैसा, सेकंड कॉल में नहीं जा रहा पक्का? ना सेकंड कॉल तक नहीं जा रहा, नहीं बचा हुआ पैसा 50,000 इनटू 4 नहीं जाएगा, डन। चलो कितना आया 6 लाख, कैपिटल में कितना जाएगा, कैपिटल में जाएगा 1 लाख इनटू 3 लाख, एसपीएल में जाएगा 1 लाख 2 लाख और 2 लाख, डन। इतनी समझ आ गई। थर्ड एंट्री किसकी करेंगे, ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर 4 लाख कैपिटल, 4 लाख, 4 लाख। फोर्थ एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, एक सेकंड भाई मेरा मार्कर है, ये वाला चल नहीं रहा ना, दूसरा कहाँ है? अब एक बात बताओ, 600 के लिए अप्लाई करा था उसने, 600 पे कितना दिया, कितना आ गया, कितना आ गया 2400, उसे अलॉट कितना हुआ 400, 1600, कितना आ गया 800 बच गया, 800 कहाँ आएगा, एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे 400 पे कितना रुपया, नहीं अलॉटमेंट में नहीं, फर्स्ट कॉल, कितना नंबर 400 पे 4 और बोल रहा 1600 में से 800 रुपये नॉट पेड, तो बैंक में कितने आने थे 4 लाख, 4 लाख में से 2 लाख ऑलरेडी आ चुके, तो 2 लाख आने थे, 2 लाख में से 800 नहीं आए, तो कितने आए 1,99,200, राइट, यही आ रहा है टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,99,200। क्या वो रिसीव करने के तुरंत बाद फोरफीट कर रहा है, यस, वो तुरंत बाद क्या कर रहा है, फोरफीट करो इसको, एंट्री बताओ, फिफ्थ एंट्री बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या मैं एसपीआर को डेबिट कर दूं, नहीं क्यों मैम, कॉल करा रिसीव भी कर लिया, कॉल करा था ना दे दो एसपीआर, पर उसने दे दिया, हाँ नहीं करेंगे, ठीक है, टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट टू फर्स्ट कॉल, कितने शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं 400 मल्टीप्लाई का कितने मंगवाए 7, सॉरी कॉल इन एडवांस या कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर्स डेबिट 800 4 लाख 4 लाख 2 लाख 2 लाख कॉल इन एरियर्स शेयर फोरफिट कितना करा 2400, अब किसने कहा 2000, क्या 2000 आना है, शेयर फोरफिटेड कितना हुआ 2000, क्यों कहा तू, क्या 2400 नहीं आएगा,
हमने कितना रुपया मंगवाया? सात, सात रुपये मंगवाए ना। तो देखो इधर देखो, तो 400 पे 3 रुपए एक आ चुका, प्लस 800 रुपए एक आ चुका, ऐसे करेंगे ना। ये एक रुपया नहीं लेंगे, ये एक रुपया नहीं लेंगे, तो कितना आएगा ये 2000। और ये कितना आएगा कॉलिन एरियर्स 800। डन डन, कितनी बात समझ आ गई। अब क्या आगे का क्वेश्चन करवाऊं मैं? रीइशू सिखा दूं? रीइशू सिखा दूं? अच्छा ये तो बता दो, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर वर रीइशूड एट ए पर शेयर फुल्ली पेड अप, यानी मैंने कितने रुपए डिस्काउंट दिया उसे? 2 रुपए का प्रीमियम नहीं ना। इधर देखो, अच्छा एक बात बताओ, पूरा फुल फ्लेज टॉपिक नहीं, ऐसे ही पढ़ा रही, बस ऐसे ही ऐसे हम पढ़ाते पढ़ाते पूरा फुल फ्लेज। सुनो, रीइशू करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। 20 होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही होगी। अगर मैं रीइशू कर रही हूं तो मेरे पास बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इतनी बात तो मानते होगे। और कितना आएगा मैडम? 200 रुपए पे 8 रुपए आएगा। वो कह रहा है आधे शेयर्स फॉरफिटेड अभी रीइशू करें, 400 फॉरफिट कर दे तो 200 रीइशू करें, तो 200 × 8 कोई दिक्कत। बट ना उसने आगे क्या लिख रखा है? फुल्ली पेड अप। क्या लिख रखा है? यानी पूरे 10 का 10, यानी 2 रुपए क्या दे रखा है? डिस्काउंट दे रखा है। तो 200 × 10, और यहाँ पर हम डिस्काउंट और नहीं लिखते थे, तो 200 पे 2 रुपए डिस्काउंट दे दिया, यही लिखते थे। सिर्फ यहाँ पर, यहाँ पर वो कह रहे हैं हम डिस्काउंट को डेबिट नहीं। अब आता है वो हराम का पैसा जो हमने खा रखा है, ये शेयर फॉरफिटेड है, ये हमने खा लिया ना, हमने वापस दिया नहीं दिया ना। नाउ लॉ कहता है जो तुमने शेयर फॉरफिटेड में पैसा जब्त करा है, you have to utilize this while reissuing the shares and you can give maximum discount to this only। मतलब मैंने तो कितने रुपए पर शेयर खाया है, तो मैं उसे मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती हूँ? 4 महीने से। तो यानी मैं कहती हूँ मैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से 400 रुपए यूज कर रही हूँ, इतनी बात समझ आ गई। अभी कैपिटल रिजर्व मैं नहीं समझा रही कि हमें कैपिटल रिजर्व क्या होता है, इतनी बात समझ आ गई? पक्का नोट डाउन करो। 200 शेयर्स उसने कहा है, बुक में देख, उसने कहा है कि हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर रीइशू, तो फॉरफिट कितने करे थे, तो रीइशू कितने कर रही हूँ, तो 200 शेयर्स पे 8 रुपए के हिसाब से कर रही हूँ, 2 रुपए डिस्काउंट कर रही हूँ, 10 रुपए यहाँ पर, कोई दिक्कत? पक्का जल्दी करो। अभी शेयर कैपिटल रिजर्व नहीं समझा रही, कैपिटल रिजर्व नेक्स्ट क्लास में। और अभी तो ये कुछ भी नहीं समझाया रीइशू का, बहुत बड़ा